उत्तर प्रदेश में इन दिनों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार चल रहा है। दोनों पार्टियों के नेता रोजाना अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाते हैं। इन पोस्टरों के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जाता है। इसी कड़ी में आज संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फटोगे तो कटोगे वाले बयान का जवाब दिया गया है। पार्टी नेता मयंक यादव जोंटी की तरफ से लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है, हम जोड़ेंगे और जीतेंगे। और जिस जगह पर हम जोड़ेंगे और जीतेंगे लिखा गया है, उसके बगल में अखिलेश यादव की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाई गई है। अखिलेश यादव के बारे में लिखा गया है कि वो 2024 के जननायक हैं और 2027 में महानायक के तौर पर उभरेंगे। इसमें नीचे की तरफ ये भी लिखा गया है कि पीडीए का इंकलाब होगा, फूलपुर उपचुनाव में बदलाव होगा। यानी अखिलेश यादव 14 नवंबर को प्रयागराज के फूलपुर में उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी के समर्थन में रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। दोपहर 12 बजे फूलपुर के रुदापुर गांव में उनकी रैली होनी है। उसी के स्वागत के लिए ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें नारा दिया गया है, हम जोड़ेंगे और जीतेंगे। यानी इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पटेंगे और कटेंगे का जो बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है वो सही नहीं है, बल्कि कटने और बटने के बजाय जुड़ने का नारा दिया जाना चाहिए। तो अखिलेश यादव 14 नवंबर को सुबह 11 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहां हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे फूलपुर जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में उन्हें तकरीबन 1.5 घंटे तक रहना है, लोगों को संबोधित करना है। इस दौरान वो शहर में आकर प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि शहर आकर प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन में शामिल होने को लेकर अभी उनका कोई कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी ने प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो प्रतियोगी छात्रों से मिलने की, उनके बीच जाने की कोशिश जरूर करेंगे। और अगर अखिलेश यादव की तरफ से ऐसी कोशिश की जाती है तो पुलिस उन्हें रोकेगी। ये कहा जा सकता है कि 14 नवंबर का दिन जो है वो प्रयागराज में समाजवादी पार्टी और पुलिस के लोगों के बीच झड़प का और एक सबब बन सकता है। अगर अखिलेश यादव छात्रों के आंदोलन में जाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस उन्हें जरूर रोकेगी कानून व्यवस्था का हवाला देकर। बहरहाल में प्रयागराज में लगा हुआ ये पोस्टर चर्चा का सबब बना हुआ है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.